Hello friends, my name is Jasharma. I welcome you all once again to our YouTube channel Shaping Minds to Make Future Ready. Guys, I am back with the new video from the series of top grammar rules asked in various competitive exams. Friends, thank you so much for the love you gave us to our last videos because it motivates us to make the best content for you guys. Before starting the video, I would like to say please like, share and subscribe our YouTube channel.

सेंटेंस थ्री है ही इज अक्यूज इन द थर्फ्ट केस आपको इन तीनों सेंटेंसेस में बताना है कि सेंटेंस के कौन से पार्ट में ग्रामेटिकल मिस्टेक है और कौन से पार्ट में नहीं ऐसा जरूरी नहीं कि सेंटेंस के हर पार्ट में ग्रामेटिकल मिस्टेक हो क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस वीडियो हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन दिए थे जिसका आंसर्स आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया बट अनफॉर्चुनेटली किसी का भी आंसर ठीक नहीं था बट आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एज़ आई हैव सेड कि ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि कैंडिडेट द्वारा की जाती हैं उसके एग्ज़ाम्स में पिछली वीडियो के क्वेश्चन थे कुछ इस प्रकार इसके वीडियोज़ मैं आपके साथ लास्ट में डिस्कस करूँगा जब तक बने रही हमारे साथ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम्स में कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं और उनके साथ एक फिक्स प्रोपोजीशन का ही यूज़ होता है जैसे कि हमारा पहला वर्ड है अथॉरिटी अथॉरिटी के साथ हम प्रीपोजिशन ऑन और ओवर दोनों का यूज़ करते हैं सो so, कब हमें प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करना है और कब ओवर का आइए समझते हैं कुछ केसेस के साथ केस वन अथॉरिटी के साथ प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ तब करेंगे जब हम डिस्कस कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट के बारे में केस टू अथॉरिटी के साथ प्रीपोजिशन ओवर का यूज़ तब करेंगे जब हम डिस्कस कर रहे हैं किसी पर्सन के बारे में गाइस मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि डिस्कस के साथ कब अबाउट का यूज़ करना है और कब नहीं यदि अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देखिए एग्जांपल ही हैज स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी ऑन इंग्लिश यहां पर हमने अथॉरिटी के साथ प्रिपोजिशन ऑन का यूज़ इसलिए किया है बिकॉज़ यहाँ पर हम सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं एग्ज़ाम्पल टू लीडर मस्ट हैव अथॉरिटी ओवर हिज फॉलोअर्स यहाँ पर हमने अथॉरिटी के साथ प्रिपोजिशन ओवर का यूज इसलिए किया हुआ है बिकॉज यहाँ पर बात हो रही है फॉलोअर्स की सेकेंड वर्ड है एग्री एग्री के साथ प्रिपोजिशन विद और टू दोनों का यूज़ कर सकते हैं सो कब विद का यूज करना है और कब टू का आइए समझते हैं केसेस के साथ एग्री के साथ प्रिपोजिशन विद का यूज़ करेंगे जब हम डिस्कस कर रहे हैं पर्सन के बारे में अदरवाइज हम यूज़ करेंगे टू फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल लीडर नेवर एगरी टू द प्रोपोजल रूलिंग पार्टी यहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो रूलिंग पार्टी के प्रपोजल से एग्री नहीं है इसीलिए हमने एग्री के साथ प्रपोजिशन टू का यूज किया हुआ है एग्जाम्पल टू पॉलिटिकल लीडर नेवर एग्री विद वन अनादर यहाँ पर हमने एग्री के साथ प्रपोजिशन विद का यूज़ इसलिए किया हुआ है बिकॉज यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर आपस में एक दूसरे से एग्री नहीं है वर्ड थ्री एंग्री विद और एट एंग्री के साथ हम प्रिपोजिशन विद और एट दोनों का यूज़ करते हैं सो so, कब हमें विद का यूज़ करना है और कब एट का आइए समझते हैं केस वन एंग्री के साथ प्रिपोजिशन विद का यूज़ तब करेंगे जब हम डिस्कस कर रहे हैं किसी पर्सन के बारे में अदरवाइज़ हमें एट का यूज़ करना होगा वर्ड एंग्री के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल द प्रिंसिपल इज़ एंग्री एट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पर वर्ड एंग्री के साथ हमने प्रिपोजिशन एट का यूज इसलिए किया है बिकॉज जो प्रिंसिपल है वो स्टूडेंट्स पर एंग्री ना होकर उनकी परफॉर्मेंस पर एंग्री है इसीलिए हमने एंग्री के साथ एट का यूज किया हुआ है एग्जाम्पल टू है द प्रिंसिपल इज एंग्री विद द स्टूडेंट यहां पर हमने एंग्री के साथ विद का यूज इसलिए किया है बिकॉज प्रिंसिपल जो है वो डायरेक्टली स्टूडेंट्स पर एंग्री है वर्ड फोर एनॉय विद और एट अनोय के साथ preposition विद और 'at' दोनों का यूज़ हो सकता है बट कब हमें विद का यूज़ करना है और कब 'at' का ये समझते हैं अनोय के साथ जनरली preposition विद का यूज़ हम तब करेंगे जब हम डिस्कस करते हैं पर्सन के बारे में और 'at' preposition का यूज़ तब करेंगे जब हम डिस्कस करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल पीपल आर अनोय एट द रूलिंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी यहाँ पर हमने एनॉय के साथ प्रिपोजिशन एट का यूज़ इसलिए किया है बिकॉज यहाँ पर जो पीपल है वो कांग्रेस पार्टी पर एनॉय ना होने की बजाय उनकी रूलिंग्स पर एनॉय हैं इसीलिए हमने एनॉय के साथ एट का यूज किया द पीपल आर एनॉय विद द कांग्रेस पार्टी यहाँ पर हमने एनॉय के साथ प्रिपोजिशन विद का यूज़ इसलिए किया है बिकॉज पीपल्स जो हैं यहाँ पर वो डायरेक्टली एनॉय हैं विद द कांग्रेस पार्टी से सो so गाइज़ ये हैं हमारे सोल्यूशन प्रीवियस वीडियो के ही हैज स्ट्रॉग अथॉरिटी ऑन इंग्लिश पॉलिटिकल लीडर नेवर एग्री टू द प्रपोजल्स ऑफ द रूलिंग पार्टी द पीपल आर एनॉड एट द रूलिंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी हमारी पिछली वीडियो के पार्टिसिपेंट्स हैं जैबा परवीन एंड मोहम्मद सैफ मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ दैम सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप इस तरीके की और भी वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट करें हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें थैंक यू